फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता रथ। वेलकम्स टू सुनीता रथ स्वाद। आज मैं कुकुम्बर पराठा बनाने जा रही हूँ, तो चले देखते हैं कैसे बनाती हूँ और क्या क्या यूज़ करती हूँ। इसके लिए आटा गूंदने या वेलन की ज़रूरत है नहीं है, हम इसको बैटर बना के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मेरा गरम गरम पराठा रेडी है। मैंने पिकल के साथ सर्व किया है। इसके लिए हम कुकुम्बर ले रहे हैं और साथ में सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर और आटा। और बैटर बनाने के लिए पानी चाहिए और इसमें पराठा के लिए आपको रिक्वायर्ड ऑयल चाहिए। तो पहले हम कुकुम्बर को अच्छे तरह से वॉश करके दोनों साइड ऐसे कट करके थोड़ा सा रब कर लेंगे। अगर कुछ भी इसमें थोड़ा सा खटास या आप बिटर होगा तो वो इसे निकल जाता है। ये मेरा टिप है इसके लिए। दोनों साइड हम ऐसे ही करेंगे और थोड़ा सा छोटा सा पार्ट उसके बाद उसको निकाल देंगे। ठीक है, अब ये जो है कुकुम्बर, इसको हम पील कर देंगे। देखिए, मैंने दोनों कुकुम्बर को पील करके हाफ करके कट करके रखा है। अब इसको हम ना ग्रेटेड करेंगे। तो एक बड़ा सा बाउल लेके उसमें मिक्सिंग, जिसमें मिक्स कर सकते हैं हम सब कुछ, वैसा बड़ा बाउल लेके उसमें हम ग्रेटेड कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे ऐसे ही ग्रेटेड कर लेंगे। बाकी का भी कर लेती हूँ। मैंने सबका कर लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। टर्मरिक पाउडर आधा छोटा स्पून चलेगा। और चिल्ली पाउडर डालेंगे जितना हमें स्पाइस जरूरत है अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालिएगा, अगर आपको थोड़ा कम पसंद है तो थोड़ा कम डालिएगा। ये जो बनेगा हमारा कुकुम्बर का नमकीन पराठा बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं या जीरा पाउडर डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ अभी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर 1:2 में हम आटा डालेंगे। अगर मैं एक कटोरी कुकुम्बर ली हूँ तो 2 कटोरी हम आटा डालेंगे इस तरह से। देखिए, मैं 2 और थोड़ा सा लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनानी है, ना ही ज्यादा पानी बनानी है। आपको मैं दिखाती हूँ कितनी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए पराठा के लिए। और हम जब पानी मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, लम्प्स बन जाता है। और इससे भी पता चलता है कि आपको कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, और आप उसी हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा बन चुका है। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सारे चीज। अब भी आपका कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। अब हम तवा को गरम कर लेते हैं।
मैंने गैस ऑन कर दिया और तवा बिठा दिया है। अब तवा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे क्योंकि ये स्टिकी ना हो जाए नीचे से। अब हम बैटर डालेंगे और उसको घुमाते जाएंगे जैसे हम डोसा की बैटर घुमाते हैं, और ज्यादा पतला और ज्यादा मोटा नहीं करनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। जैसे हम लोग कुकुम्बर का जूस बनाते हैं या कुकुम्बर के सैलेड की तौर पर खाते हैं, तो ये एक नई रेसिपी है, आप इसको भी ट्राई कीजिए और बना के खाइए और बताइए मुझे कैसा लगा। और मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे भी बहुत खुशी से इसको खाएंगे। देखिए ये फटाफट बनते जाएगा और आप 5 मिनट में इसको बना सकते हैं और 3 पर्सन के लिए आराम से बन जाएगा इतने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसको पिकल के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, या फिर आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। इजी टू मेक है। देखिए मेरा रेडी है, मैंने पिकल के साथ सर्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।